अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें आज कमर चीमा साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर। हम थोड़ा सा आज आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप जानते ही हैं कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो सऊदी अरब भी गए हैं और यूएई भी गए, कतर भी गए। किसी ने वहां पे प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि क्यों आए, बल्कि बहुत जबरदस्त किस्म का उनको वेलकम दिया गया। और कई तरह के बिजनेसेस जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं, कई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं फ्रांस के साथ। इसके साथ साथ हमने देखा कि रशियन जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया गए, और इंडिया जो है वो कैसे बैलेंस कर रहा है अमेरिका और रशिया को, क्योंकि जाहिर है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी काम कर रहा है और अमेरिका के साथ भी। साथ हम देखते हैं कि आईएमएफ की जो, अब आपको पता है कि एक आई थिंक गीता, मैं उनका पूरा नाम भूल रही हूँ, जो आईएमएफ की हेड आई है नई इंडिया की तरफ से, यानी इंडिया जो है वो कई जगह पे, पहले भी हमने बात की कि उनके सीईओज आए हैं और अब जो है वो आईएमएफ में भी मौजूद हैं। हमारे लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। हम इस चीज में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इस चीज में इंडिया से मुकाबला करें, बजाय इसके कि उन्होंने ये मिसाइल बना लिया तो हमें भी कोई मिसाइल बना लेना है। अगर जिस तरह से उनके लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से, चाहे वो अब आईएमएफ में भी जो है वो गीता आई है, मैं अभी आपको उनका पूरा नाम बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, और साथ ही आपने कई जगह देखा, चाहे वो ट्विटर हो या दूसरी कई कंपनीज हो, तो गूगल हो गया, कई हो गए, तो उसमें हम आगे क्यों नहीं आ पा रहे? पढ़ाई लिखाई तो हमारे यहाँ भी हो रही है, हो सकता है उस स्टैंडर्ड की नहीं हो रही, या क्या नहीं हो रहा, ये आप बेहतर बता सकेंगे। तो आपका क्या ख्याल है इन चीजों के बारे में? जी, बहुत शुक्रिया आरजू साहब, आपने टाइम दिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपने बात की कि फ्रांस के सदर जो हैं वो मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, और उसके बड़े लेंस हैं देखने के। एक लेंस तो ये है कि जो फ्रांस है वो ये महसूस करता है कि अमेरिकन्स ने मिडल ईस्ट में एक स्पेस को छोड़ दिया और अमेरिका अपना टाइम इंडो पैसिफिक को दे रहा है। तो वो जो स्पेस है उसको छोड़ने की वजह से जो फ्रेंच है वो ये समझते हैं कि हमें इस मार्केट को भी कवर करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका अपनी रेड टेपिज्म, ब्रोक्रेसी, सैंक्शन और बहुत सारी चीजों की वजह से कई दफा नहीं दे पाता, तो वो फ्रांस और बाकी ममालिक जो है वो दे रहे हैं। सो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के पास ही एक अपॉर्चुनिटी है कि वो गए। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब वो गए अपने लेबनान के ताल्लुकात के हवाले से, दोनों एक व्यू लेना चाह रहे थे, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर दिया। जबकि देखा जाए तो, अगर क्योंकि जिस रेफरेंस से आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान नहीं आए, हमारे वजीर आजम साहब तो फ्रांस के सदर का फोन उठाना भी पसंद नहीं करता अगर वो कॉल कर लें जल्दी से मुबारक देने के लिए। और शायद वो समझते हैं कि फ्रांस की इतनी वैल्यू नहीं है या यूरोप दुनिया के नक्शे में उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी का यूरोप हो, एंड सो। और फिर हमने जो रिसेंटली इस्लामोफोबिया के ऊपर स्टेटमेंट दी, हमारे सदर साहब ने भी, वजीर आजम साहब ने भी, तो हमारे ताल्लुकात जो यूरोपियन वर्ल्ड के साथ कोई इतने अच्छे नहीं है। जर्मनी के साथ मुनासिब हैं लेकिन फ्रांस के साथ अच्छे नहीं है, और हमने ये सारे मजहबी एंगल के जरिए हम इस चीज को डील कर रहे हैं। अब अगर आप देखें फ्रांस, लेकिन पाकिस्तान में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम फ्रांस के सदर को बुलाएं? हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे तो दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे और लोग जो कहेंगे लो भाई इस बंदे को आप क्यों बुला रहे हैं। लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक बुला रहे हैं, वो उनको इंगेज कर रहे हैं, वो उनको बिठा रहे हैं, वो उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो बिलीव कि दुनिया का जमाना चेंज हो रहा है और जो स्टेट्स होती हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू करती हैं। मिडल ईस्ट में देखे, वहां पे भी तो जुमे की छुट्टी होती है, तो उधर बहुत सारे अरब ममालिक में, सऊदी अरब में भी। सर सॉरी आपकी बात कटी, लेकिन सर अभी यूएई ने जो है अपनी जो छुट्टियां हैं वो सैटरडे संडे ही कर दिया है, फ्राइडे हटा के। और अगर बाकी इस्लामिक कंट्री आगे बढ़ सकती हैं, वो इस तरह से फ्रेंच एम्बेसडर या प्रेसिडेंट के साथ इस तरह से अजीब सा बिहेवियर नहीं रख रही, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों इंसान के बच्चे नहीं बनते? और दूसरा, वो मैं आपको बता रही थी, गीता गोपीनाथ उनका नाम है और वो अभी रिसेंटली उन्होंने जो है आईएमएफ के अंदर जो है वो हेड बनी है। और आपको लगता है कि अब अगर हमें आईएमएफ कर्जा नहीं देगा या कोई बात करेगा तो हम वो चीज भी इंडिया पे डाल देंगे क्या?
मैडम आपने मुझे कोई 28-30 सवाल पूछ लिए हैं, अब मुझे आपने एक एक करके जवाब देने देना है इनका, और आपने मुझे टोकना भी नहीं है क्योंकि आप मैं 28 सवालों का कठे जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब ये 28 है या 29 है इन मैं भूल गया हूँ, मैंने लिखे वैसे बहुत ज्यादा समय के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है 29 सवाल है। तो अब आपने मुझे सुनना है जो मैं कहने लगा हूँ आपको, और जो है ना वो आपके सारे सवालों के जवाब देना क्योंकि मैंने लिखा हुआ। देखिए मैंने फ्रांस के सदर के वाले से बड़े डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि वहां पे मिडिल ईस्टर्न हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहे, और क्यों मिडिल ईस्टर्न ममालिक वो समझ हमें कि फ्रांस से ताल्लुकात जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं कि बेसिकली आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो चेंज होने वाला है। आप जब दुनिया को देखेंगे ही मजहब के लेंस से, दुनिया को देखेंगे एक रिलीजियस लेंस से, तो फिर आपकी दुनिया छोटी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में ममालिक तो 57 ही है ना इस्लामिक ममालिक जो है, और उन इस्लामिक 57 इस्लामिक ममालिक का सबका मसला मजहब तो नहीं है, और वो सब आपको वो जब आपके साथ ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए ताल्लुक नहीं रखते कि वो आप क्योंकि इस्लामिक मुल्क हैं। माजी में वो समझते थे कि पाकिस्तान की फौज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी फौज है, जरूरत पड़ सकती है। अब वो समझते हैं फौज क्या करनी है हमने, आप उसकी जगह अच्छे कटिंग एज टेक्नोलॉजी लो, अच्छे अच्छे वेपन्स लो, उस फौज के जरिए हम अपने लोगों के जरिए उन चीजों की तरफ जा सकते हैं। सो अभी कंपटीशन का जमाना और आ गया है, जिस तरह मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जीसीसी ममालिक ने कतर का ब्लॉकेट किया, उनको चारों तरफ से रोका, साल डेढ़ मेरा ख्याल है ब्लॉकेट किया, एट दी एंड वो इकोनॉमिक ब्लॉकेट था वो खत्म करना पड़ा क्योंकि कतर सर्वाइव कर गया उसे। सो आज दुनिया इस तरह कॉम्पीट कर रही है, फाइनेंशियली आपको मारा जा रहा है। दूसरी बात आपने की ये गीता गोपीनाथ की, देखिए दिस इज एन एक्सीलेंट जॉब। अगर एक खातून अमेरिका में बैठ के या यूरोप में बैठ के एक इंडियन अमेरिकन या कोई और पाकिस्तानी अमेरिकन कल को कहीं और या कोई और खातून कहीं पे बैठ के जो है वो इस तरह का इस पोजीशन पे आ जाती है तो दिस इज समथिंग वेरी अप्रिशिएबल। और मैं समझता हूँ कि जो गीता अगर IMF में आ गई है तो इससे ऑब्वियसली एक मैं और बात बताऊँ आपको, ये जितने भी लोग मल्टीलैटरल फोरम्स में या इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन जगहों पे जाते हैं ना, मैंने जो महसूस किया और जो मुझे कभी मौका मिला है इत्तेफाक हुआ इन लोगों से मिलने का, दे थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज के बियॉन्ड सोचते हैं। क्योंकि अब वो IMF तो पूरी दुनिया का है ना, IMF इंडिया का तो नहीं है, लेकिन अब होता क्या है हम इमीडिएटली उसका लेना चाहते हैं क्योंकि बिकॉज वी नीड गुड न्यूज, वी रियली वॉन्ट टू प्रोजेक्ट अस के यार देखो कितनी अच्छी बात, और करना भी चाहिए। एक लड़की ने अगर इंडिया का नाम रोशन किया है, अगर एक वो इंडिया का नाम लेके वो पहुंची है वहां पे और पता चला जी कि इसका ये बैकग्राउंड है, कल को वो IMF की चीफ बन सकती है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये तो IMF है जो US एड का हेड रहा है लड़का राजीव शाह, ही वॉज राजीव शाह, ही वॉज एन इंडियन अमेरिकन, US एड का हेड पूरी दुनिया में, और वो एज ए US एड का हेड पाकिस्तान आता रहा माजी में। So, इंडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये लड़की जारी बात है अगर वहां पे पहुंची है काम कर रही है तो दे थिंक बियॉन्ड बाउंड्रीज, वो उन्होंने सोचना होता है और इनके जो डिसीजंस होते हैं। मैडम ये आपका 30वां सवाल है। सर मैं आपसे एक बात करूं, मुझे मुझे भी सर कुछ बोलने दीजिए, मतलब मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूं। नहीं 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 सही है, मेरी बात सुने, नहीं वो क्योंकि उससे रिलेटेड है जो बात आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब जगह पे इंडियंस छाए हुए हैं और इंडियंस हर जगह पे हेड है, लेकिन हम इसलिए इल्जाम लगा सकते हैं कि क्योंकि हम तो FATF में भी कहते हैं इंडिया ने फंसाया हुआ है हमें, वरना हम तो बड़े जी बहुत हम तो अच्छे काम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन इंडिया की वजह से हम FATF की ग्रे लिस्ट में। तो अगर कल को IMF हमें कोई बात मना कर दे इन केस, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि वो क्योंकि वहां पे इंडियंस बैठे हुए इसलिए हमें जो है पैसे नहीं मिल रहे। देखिए ये दो चीजें हैं, पहली बात तो ये है अगर आप इंडिया की बात करें, क्या FATF के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग नहीं की थी? दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि क्या वाकई ही हाफिज सईद और बहुत सारे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, बहुत सारी चीजों में लकुनास मौजूद थे, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी थी जो हमें FATF कह रहा था बिल्कुल करनी थी। एक तो ये चीज होगी, एक होगी हमारी साइड, एक है आए अब अगले की साइड से सोचें, और अगले की साइड है इंडिया। फॉर एग्जाम्पल क्या इंडिया ने FATF में बैठ के हमारे खिलाफ वोट दिया कि नहीं दिया? भाई दिया। क्या इंडिया दुनिया को कहता रहा है कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ वोट दें? कहता रहा कि नहीं कहता रहा? कहता रहा। बात यह नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है, बात यह है कि हमने भी गलतियां की।
जो हमारी कुताहियां थी हमें उसकी सजा मिली, लेकिन इंडिया भी तो साथ करता रहा, और एज एन एडवर्सरी मुल्क उनको यही करना चाहिए था ना भाई, उनको और क्या करना चाहिए था। मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ना, आईएमएफ की पोजीशन डिफरेंट है। आईएमएफ में ये है कि आईएमएफ में जो मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका का 16% वोट होते हैं आई थिंक आईएमएफ में, क्योंकि जिसने जितने पैसे ज्यादा देता है वो उतना ज्यादा उसका वोट होता है। सो उसमें ये इंडिया या उसकी बाकी चीज नहीं चलेगी, उसमें ये चलती है कि टेक्निकली ये लोग करेंगे क्या आइंदा आने वाले दिनों में। आईएमएफ से मुराद ये नहीं कि इंडिया रोकेगा। मैं देखिए, क्या इंडिया पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है क्या उसके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस चीज को छोड़ दे वो क्या कर रहा है, हमें उससे बचना है। हमारी स्ट्रेटेजी, मैं आई एम अ पर्सन विच बिलीव कि हमें ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहिए। वी शुड प्लान, प्रिपेयर अ प्लान टू हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, प्लान तैयार करना चाहिए बाहर कैसे आना है। सो इट्स नॉट जस्ट कि ब्लेम गेम करें, ब्लेम गेम भी कर ले आप, ये कहें हाँ जी ये कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये और भी चीजें हो रही हैं, और वो क्या चीजें हो रही हैं, उन चीजों में ये आता है कि इंडिया जो है वो एफएटीएफ में हमारे खिलाफ उसने बड़े वोट डाला और बड़ा शोर मचाया उसने, आईएमएफ की पोजीशन लेद है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं इस खातून गीता को दैट शी रीच टू द आईएमएफ, और ये अपनी पर्सनल जो है वो कैपेसिटी के जरिए पहुंची, उसको इंडिया ने पढ़ाया, इंडिया ने आइडेंटिटी दी, शी शेयर्स एन इंडियन आइडेंटिटी व्हिच इज ऑब्वियसली, जिसे आप कह लें कि एक बहुत बड़ी बात है, और द कंट्री मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट लेडी, दैट इज अ फैक्ट, वी मस्ट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट। अब मैं आपके 16वें सवाल का जवाब देने लगा, क्योंकि आपने बीच में मुझे टोक लिया था ना, अब आ जाए रशिया के ऊपर, क्योंकि आपने देखिए आप या तो सवाल और कर लें या मैं पुराने सवालों के जवाब दूंगा। ये जो रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो आ गए इंडिया में, आप देखें, मैं ये समझता हूं कि अभी मैं किसी से बात कर रहा था, रशियन प्रेसिडेंट का इंडिया में आना बड़ी बात है, पहले भी आते रहे, सिर्फ पिछले 30 साल में $45 बिलियन का असला इंडिया ने रशिया से खरीदा है, पिछले 30 सालों में, ये सिप्री का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, $45 बिलियन, इतना इंडिया ने असला किसी मुल्क से नहीं खरीदा, ठीक है जी, पिछले 10 सालों में $20 अरब का असला खरीदा है, उससे पिछले चले जाए 2001 से लेके 2010 में मेरा ख्याल $15 अरब का या इतने असल खरीदा, उससे पहले चले जाए 1991 से आगे चले जाए तो मेरा ख्याल $10 अरब का खरीदा। द पॉइंट हियर इज कि इंडिया और रशिया के तरह पुराने ताल्लुकात है, और इंडिया समझता है कि हमें बैलेंस करना है चाइना और रशिया को, चाइना और रशिया की आपस में एक अनडिक्लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन है, they are not going to support each other maybe at times of war, जो कि नहीं होगी miscalculation, because आप अगर Chinese and Americans की दोनों की एक recently एक virtual summit हुई थी, तो उसमें जो Russian and American President Biden ये कह रहे थे कि हमें cooperation करना चाहिए and competition करना चाहिए, conflict and cooperation नहीं, competition and cooperation, जो competition and cooperation है उसका मतलब ये है कि अमेरिका रशिया के साथ जो है चाइना के साथ कॉम्पीट करना चाहता है लेकिन लड़ना नहीं चाहता। सो रशिया और जो इंडिया है, रशिया और इंडिया जो है दे आर कोऑपरेटिंग सो दैट इंडिया कैन पैसिफाई चाइनीज थ्रू रशियंस। और ये जो 2+2 डायलॉग हुआ है उसमें आप जाके देखें, 2+2 डायलॉग में ये बात हुई है वहां पे कि इंडिया के बॉर्डर पे जो चाइनीज ने एग्रेशन किया, दिस इज व्हाट द इंडियंस से कि जो एग्रेशन हुआ है, उस एग्रेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों एग्रेशन करते हैं हमारे खिलाफ। तो उन्होंने ये जो 2+2 डायलॉग हुआ इंडिया का और रशिया का, पहला, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डायलॉग हैपन, इसके हवाले से बात की है। और जारी बात है AK-203 जो राइफल थी, जो कि 7 लाख राइफल इंडिया में रखने वाला खरीद रहा है, जो कि जारी बात है अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है। वो कैसे मेंटेन किया है? बिकॉज इंडिया इन इन रियलिटी जो है वो फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इसराइल और दुनिया के बहुत सारे और ममालक से असला खरीद रहा है, एंड दे आर कीपिंग देयर ऑल चैनल्स ओपन, अपने सारे के सारे चैनल उन्होंने ऊपर रखे हुए हैं, दैट गिव्स देम अ ह्यूज इंसेंटिव जो है वो उन इंडिया को इस सारे प्रोसेस में है।
अभी आपका जो सवाल था कि जी हमें कॉम्पीट नहीं करना चाहिए, देखें वो पैसे लगाने चाहिए, अपने यूथ पे पैसे लगाने चाहिए ताकि गीता जैसी लड़कियां पाकिस्तान से भी जाएं, और इस तरह की चीजें आप बात कर रहे थे। ऑब्वियसली करना चाहिए, इस पे एफर्ट होनी चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी अब्रॉड बैठे हुए हैं। आपको याद होगा वो लड़का था आतिफ मियाँ, जो कि प्रिंसटन में पढ़ा रहा था, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, और बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंट किया कि आप हमारी एडवाइजरी, इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम में आ जाएं। जैसे ही पता चला वो अहमदी है, उन्होंने कहा चलो भज जाओ, तो अहमदी नहीं आ सकता यहाँ पे, ईसाई आ सकता है और आ सकते हैं। सो हम तो खुद, और दूसरी बात, ये जो रिसेंटली श्रीलंकन को जला दिया गया, ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुल्कों से लोग आके काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों में, जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, बहुत सारे आके काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों में, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, और उन्होंने अच्छे अच्छे मैनेजर्स रखे हुए हैं ताकि अच्छी दुनिया में कम्पीट कर सके, उनको पता चलता रहे क्या होता है। अब इस केस में ये हुआ कि एक इंप्रेशन चला जाएगा जी, जो बाहर से पाकिस्तान में काम करने आता है वो, उसके लिए मसाइल होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको रेफरेंस देता, आई वाज इन जर्मनी, तो वहां पे मैं हाइडलबर्ग में था, तो मैं वॉक कर रहा, एक वहां शिलास कैसल है, तो मुझे मेरा दोस्त था वहां ले गया, तो वहां पे मैं पंजाबी गल करना, सारी गल है, तो पंजाबी बोलते बोलते उत्ते जा रहे, वो बंदा मैंने एक मिलया उत्थे, उन्हें क्या पाइन तुसी पंजाबी बोलन डे हो, किधर से आप, इंडिया से, पाकिस्तान, मैं कह जी पाकिस्तान, बातें करते करते पता चला वो डॉक्टर है और सियालकोट से है। उसने मुझे बताया मैं कितने साल पहले नौकरी छोड़, पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी। वो क्यों कहता, मैं इधर जर्मनी में इतने मैंने पेपर लिखे, वो मुझे अक्सर अभी भी भेजते रहते हैं अपने पेपर, मुझे क्या समझ आए डॉक्टरी में क्या वो बातें, लेकिन वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। कहता मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ जॉब लेने के लिए, मेरा वो सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं करते, डरते रहते हैं कि इतना कॉम्पिटेंट बंदा ये टॉप पे आ जाएगा। सो इस तरह की जेलसियां जो होती हैं, ये अच्छे कॉम्पिटेंट बंदे को पाकिस्तान भी नहीं आने देती। हम चाहते हैं कि मिडियोकर लोग यहाँ पे रहे, सब मिडियोकर 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 रहे, ताकि कोई अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा आए तो उसके लिए सवालिया निशान लग जाते हैं। ये हर जगह होगा, लेकिन वो अगर जर्मनी में बैठ के या अमेरिका में बैठ के कहीं पे भी कोई डॉक्टर, अगर अमेरिका में चले जाए तो बड़े सारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो बड़ा नाम कमा रहे हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। हम ये कहते हैं हमारी अपनी एक्ट्रेस रीमा ने जाके अमेरिका जो बंदा लभ्या, ठीक है जी, और वहां पे पूरा पूरे का पूरा डॉक्टर उन्होंने शादी कर ली उसके साथ। कई ऐसे जो डॉक्टर हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये जो चीज है, क्योंकि इंडियंस की एक खूबी है कि वो रौला चंगा पा लेने, ठीक है, और क्यों ना डालें, होती भी खुशी है। अब ट्विटर का आप हेड बने लड़का, ठीक है, तो कितनी, मतलब दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड कि हम सब लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। द मैन स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर एंड ही रीच टू द टॉप, वो ट्विटर की उस जगह पे पहुंच गया। आप जो माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएं, आप गूगल में चले जाएं, आप मास्टर कार्ड पे चले जाएं, कितने जो सीईओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और याद रखें वहां पे वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में, वो ये नहीं देखते कि तुसी कौन हो, वो देखते हैं कि आपके पास क्या बेचने को, क्या है मंजन, क्या है, और वो जो अच्छी मंजन बेचेगा, जिसके पास अच्छी डिग्री है, जो अच्छी थॉट रखता है, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो प्रोग्रेसिव है, जिसको वाकई काम करना आता है, वो आगे निकल जाएगा। एंड सो द इंडियंस आर डूइंग एंड द नेशन मस्ट बी प्राउड ऑफ देम के दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर देम। लेकिन सर हमने इस तरह के स्टूडेंट्स क्यों नहीं निकाले? हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो सेल्फी बना रहे थे, उस बेचारे को मार दिया उन्होंने श्रीलंकन को, उसके बाद आग लगा दी और उसके बाद सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। ना कोई शर्म है, ना गैरत है, ना ही कोई जिसे कहते हैं कि जरा सा भी दिल नहीं दुख रहा, नहीं मेरा पिक्चर देख के जो है इतना मुझे अफसोस हो रहा था, और वो वहां पे खड़ों के सेल्फीज ले रहे थे। इसी तरीके से ये तरीके लबैक वाले जिन्हें गवर्नमेंट ने बड़ा हाथ मिलाया है और लेकर आए हैं, और सेम यही चीज हमने देखी थी मशाल खान के वक्त, जब स्टूडेंट वो केपी के यूनिवर्सिटी का जो था, मर्दान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मशाल खान, जब उसको मारा गया था जिस तरीके से, तो तब भी लोग बड़े खुश हो रहे थे। ये पाकिस्तान में जब तक हम उनको हीरो बनाना नहीं छोड़ेंगे, जो कातिल है उन्हें हीरो नहीं बनाना छोड़ेंगे, जैसे सलमान तासीर को जिन्होंने जिसने मारा था उसके ऊपर भी फूल फेंके जा रहे थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आप समझते हैं कि ये सिर्फ मदरसे के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के कई वीडियोस हमारे पास ऐसी मौजूद हैं
जहाँ पे दिखाया गया है छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हर नॉन मुस्लिम को मार दो और ये कर दो, ये चीज पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कैसे खत्म की जा सकती है? क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज तो आगे इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो ये सारे किस्म के बेवकूफी के काम नहीं करते। देखिए मेरी बात सुने, इसमें जो चीज समझने की है कि जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, हमें इस चीज को डायग्नोज करना है कि वाकई बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने इसको डायग्नोज नहीं किया और अभी हम समझते नहीं है ये प्रॉब्लम भी है। आज मैं अपने वजीर आजम साहब को सुन रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े दिनों के बाद मुझे वजीर आजम का कोई बयान अच्छा लगा लिटल, और उन्होंने कहा है कि हम मजहब के नाम पे इंतहा पसंदी किसी को नहीं करने देंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। वो करने देते हैं, वो करने नहीं देते, वो क्या करते हैं वो एक और चीज है। उन्होंने कहा मजहब के नाम पे वायलेंस नहीं होगा, दैट मींस अ लॉट फॉर मी, मेरा दिल बाग बाग है। कल को उसको वो एक्चुअली होने देते हैं, उसकी प्रॉपर ये सिर्फ थ्योरी रह जाती है, प्रैक्टिकल नहीं होता, वो एक और चीज है। बट आई एम हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि मजहब के नाम पे वायलेंस नहीं होगा और इसको पनिशमेंट मिलेगी, दैट्स गुड। हाँ, इसके ऊपर सारा कुछ मौजूद है, प्लान्स मौजूद हैं, पैगाम पाकिस्तान मौजूद है, नेशनल एक्शन प्लान का एक जो है पॉइंट है वो डी रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, ये सारी चीजें हैं। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू एक्ट, दिस इज अ नेशनल डिजीज, ये एक नेशनल डिजीज है, इसको डायग्नोज, ये हमें तो अभी बहुत सारे हल्के इसको डायग्नोज भी नहीं कर सके। आई वॉज लुकिंग समवेयर के सियालकोट के वकीलों ने कहा है कि हम इन इन लोगों के जो है वो केस नहीं लड़ेंगे। एक्सीलेंट, द पीपल शुड बी पनिश्ड बाय द हैवी आर्म ऑफ द लॉ सो दैट दे शुड नो दैट दे सच काइंड ऑफ माइंडसेट एंड सच काइंड ऑफ अ पीपल हैव नो एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। लेकिन सर इस इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के अपने जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं और केपीके से परवेज खटक साहब, वो कहते हैं कि जी बच्चे थे जज्बात में आ गए, मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता। उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को निकाला नहीं, रखे हुए हैं। यही प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जो है वो इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा था या बन रहा है अभी, पता नहीं उसका क्या स्टेटस है क्योंकि काफी टाइम से काम रुका हुआ है, वहां पे तमाशे हुए, लोगों को रोका गया, मंदिर को तोड़ा गया, जो बनते हुए मंदिर को तोड़ा गया, फिर वहां पे नमाजें पढ़ी गई, अजानें दी गई, धमकियां लगाई गई। इसी प्राइम मिनिस्टर के होते हुए अभी तक सिंध में जो है वो हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को जोश नहीं आता। इसी तरह के कई दूसरे वाकयात हैं जिसमें जो है वो माइनॉरिटी के साथ गलत किया गया। अभी रिसेंटली केपीके का मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद अनाउंस किया गया हाँ जी हमने तो दोबारा बनवा दिया है, कोई मसला ही नहीं, हमने उन लोगों से पैसे ले लिए और हमने 3 करोड़ लगा के और वो मंदिर दोबारा बना दिया, जो कि एक सफेद झूठ है। ना तो उन लोगों से पैसे लिए गए और ना ही पैसे लेने के बाद इस तरह से बना देना जो है वो कोई हल है इस बात का। तो तब तो प्राइम मिनिस्टर का कुछ हुआ नहीं और अब अचानक से प्राइम मिनिस्टर की गैरत जाग गई और वो कह रहे हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको नहीं लगता इसका रीजन ये है क्योंकि अब ये खबर जो है वो पाकिस्तान से निकल कर एक इंटरनेशनल लेवल पे चली गई है क्योंकि आपने एक फॉरेनर को मार दिया है, अब आप कहाँ जाएंगे पैसे मांगने, लोग आपको पैसे नहीं देंगे कि ये तो वही मुल्क है जो गर्दन काट देते हैं तो या जिंदा जला देते हैं, यानी हिंदू जो है वो मरने के बाद जलाते हैं, हम जिंदा जला देते हैं, हमारा तो ये इंप्रेशन गया है। तो आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की यह स्टेटमेंट जो आई है इसका कोई मतलब नहीं है या ये बहुत लेट दी गई है या इस पे एक्शन होना चाहिए था? जो पहले मैंने थोड़े बहुत वाकयात गिनाए उससे कहीं ज्यादा चीजें हो चुकी हैं पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त क्या प्राइम मिनिस्टर सो रहे थे या उन्होंने टीवी नहीं देखा था जो वो कहते हैं कि मुझे टीवी से पता चला कि ये हो गया, तो इस वक्त क्या कर रहे थे जब ये इस हाल तक पहुंचाने में हमें सालों लगे हैं, हम एकदम से तो नहीं पहुंचे? मैडम आपकी बात सही है कि जारी बात है सालों लगे हैं, ये आज का वाकया नहीं है, लेकिन जारी बात है कि ये चीजें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए, हमें एक हमारे सामने बड़े वाक्य हो चुके हैं और हमारा किरदार है एज ए कौम इस चीज को पनपने देना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने, स्टेट ने, मैं तो कहता हूँ ये 15 साल जो हमने क्या जाया किए हैं, जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे तो उसमें क्यों ये इंप्रेशन नहीं गया कि भाई एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को कैसे मारना है जो इस तरह के लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ पार्शली। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले टीएलपी के लोगों ने पुलिस वालों को मारा है, कोई केस नहीं हुआ, तो लोगों को फिर यही होगा ना कि भाई वो पुलिस वालों को छोड़ दिया गया, मजहब का नाम लेके कत्ल किया पुलिस वालों को, तो रियासत ने कुछ नहीं किया तो ये भी कुछ नहीं होगा, लोगों को शह तो मिली।
दैट वॉज बैड ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स पार्ट एंड द गवर्नमेंट्स पार्ट. लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर आज मुझे ये कह रहा है कि नहीं दूंगा, आई ट्रस्ट माई प्राइम मिनिस्टर, आई हैव नो चॉइस बट आई हैव टू ट्रस्ट. सर आप ही की बात आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले इकोनॉमिस्ट रखे थे वो उनको पता लगा कि अहमदिया हैं तो उन्होंने उनको निकाल दिया और दूसरे रख लिए. अगर ये स्टैंड उन्होंने उस वक्त लिया होता अपनी गवर्नमेंट बनते ही कि नहीं जी मैंने तो इन्हीं को रखना है, मजहब का कोई लेना देना नहीं है स्टेट के साथ, स्टेट ने जो है वो अलग अपना काम करना है, यहाँ पे हम कोई मतलब ये क्या बड़ा सा मदरसा है पाकिस्तान क्या, उनको गवर्नमेंट चलानी थी लेकिन उन्होंने उधर इकोनॉमिस्ट को हटा दिया. अगर ये वाला जोश वो उस वक्त दिखाते तो अच्छा होता. अब तो सबको पता है कि सारी दुनिया देख रही है और आपके आपको जो है वो कोई मुंह नहीं लगाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये स्टेटमेंट उठा के दे दी. ये तो उस वक्त करना चाहिए था जब वो अहमदिया जो थे उनको हटाया गया था, जब ये सब कुछ हो रहा था. अब जब आपकी खुद की गर्दन फंस गई है तो आप मतलब कह रहे हैं और आप वाहवा कर रहे हैं. मैडम मैं क्यों ना वाहवा करूं, He is the Prime Minister of the country. He is the person जिसके लफ्जों से बड़ा कुछ हो सकता है, जो वो कह सकता है वो कर सकता है. मैं और आप तो यहाँ YouTube पर बैठ के बातें कर सकते हैं ना. जो बंदा कह सकता है और कर सकता है और कह सकता है ना, उसकी वैल्यू, बात की वैल्यू होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है. और ये जो हम अगले 6 महीने की साल की नहीं है, ये तो 75 साल का रोना है. ये तो 75 साल पहले बहुत सारी जो एक्सट्रीम जो माइंड सेट पनपे गए जो हम अफगान वॉर में, ये को आज की कहानी तो नहीं है ना, ये तो पुरानी कहानी है. ये तो 6 महीने साल 2 साल 10 साल पुरानी बात तो नहीं है. ये तो वाकयात होते रहे ना, इसके सिम्पटम ये जो उसके तो हमारे सामने आए. जो माजी में जो चीजें उखाड़ रही थी वो तो हमने उखाड़ी नहीं, जो माइंडसेट जो चीजें जिनको हवा दी गई. तो ये देखिए दिस इज अ ये बड़ी कॉम्प्लेक्स डिबेट है. और अगर प्राइम मिनिस्टर इस पे ये एक्शन ले ले और कहे कि हाँ हम तमाम स्टेक होल्डर को बढ़ा के लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग करेंगे तो दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट. फिर भी खैर आपकी अपनी जगह है कि आप अपना एक जाहिर एक ओपिनियन रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर यही चीज बहुत पहले रोक दी गई होती, यही चीज उस वक्त उन्होंने कही होती जब मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा था, जब केपीके का मंदिर तोड़ा और जलाया गया था, या जब इस तरह के मजीद वाकयात हो रहे थे, अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बात की होती तो ये चीज इस वक्त ना हुई होती. लेकिन ये इसीलिए हो रहा है पाकिस्तान में क्योंकि हम जो लोग मार देते हैं जान से मजहब के नाम पे उनको हीरो बनाते हैं, उनके मजार बनाते हैं, उन पे फूल फेंकते हैं, और ये चीजें जो है वो मजहब मजहब करके इस्लाम इस्लाम करके जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कुछ ना कुछ हाथ जो है वो अभी की गवर्नमेंट का भी है, चाहे पिछली गवर्नमेंट्स का भी रहता है. वो मैं नहीं कह रही कि वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इन्होंने तो मतलब हदें ही कर रखी हैं, तो हर चीज में मजहब लेकर आ जाते हैं. यहाँ तक कि अपनी इकोनॉमी भी इन्होंने जो है बिल्कुल खराब कर दी, लेकिन इन्होंने एक अहमदिया को नहीं रखा कि नहीं जी हमें इधर भी कोई मुस्लिम ही चाहिए, चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे उसको अंगूठा छाप मुस्लिम ही क्यों ना हो. लेकिन खैर ये आप सही कह रहे हैं, एक लंबी बहस है और ना खत्म होने वाली. थैंक यू सो मच चीमा साहब कि आज आपने ज्वाइन किया और आपको गुस्सा भी आ गया. शुक्रिया. आखिर में मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं मेरी सिंपल सी बात है, हर बंदे का एक मौकफ है, आप अपना मौकफ दें, मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ, इसमें एवरीवन शुड इज एंटाइटल टू ओपिनियन. मैं मुझे बड़ी खुशी है प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था. नहीं बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी बात है अगर आपको सही लग रही है उनकी बात, लेकिन अगर वो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, और मैं नहीं समझती कि हम YouTube पे बैठ के बात कर रहे हैं तो हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं है. हमें भी लोग सुनते हैं और गवर्नमेंट में भी लोग सुनते हैं, कुछ मिनिस्टर भी सुनते हैं, और ऐसा नहीं है. तो अगर उन्हें कुछ करना ही चाहते हैं तो इनको सख्त से सख्त सजाएं देनी होंगी, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा है उनको, या एक एक करके छोड़ना दें, जैसे इन्होंने मशाल खान के कातिलों को छोड़ा था, या बाकियों के लोगों को जिस तरह से रिहा कर दिया जाता है, ये ना करें. और मदरसों के ऊपर रोक लगाएं, और जो वीडियोस शेयर की जाती हैं सोशल मीडिया पे उसको जरा सीरियसली देख लें कि क्या क्या हो रहा है, लाल मस्जिद में क्या हो रहा है, और ये TLP वाले क्या कर रहे हैं, और TTP वालों से हाथ ना मिलाएं. गवर्नमेंट तो खुद ही इस तरह के लोगों को अपने करीब ला रही है, और फिर बात करते हैं कि जी हम जो है वो मजहब के नाम पे ये नहीं होने देंगे और वो नहीं होने देंगे. ये दो तरह की चीजें एक साथ नहीं चल सकती. बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.